नमामिस्मि सान निर्वाण रूपम विभु व्यापकं ब्रह्म वेदास्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले सावन की बहुत बहुत बधाई। सावन का मास चल रहा है तो सावन की आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो आज आपकी है वृश्चिक राशि, यानी जिसके स्वामी होते हैं मंगल। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है हमारा बुध। बुध यानी आपके व्यापार, बुध यानी ग्रहों के आपके राजकुमार, बुध यानी आपकी बुद्धि, बुध यानी आपकी इंटेलिजेंसी, बुध आपका अपना समझ सकते हैं कोई भी टैलेंट आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ हम बुध से देखते हैं, ठीक है। और बुध का क्या है समझ लीजिए। बुध कहाँ आ गए हैं, अपने मित्र की राशि में आ गए हैं, सिंह राशि में आ गए हैं। कब आ गए थे, 19 जुलाई को आ गए थे, ठीक है। और 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे और 22 अगस्त को कर्क में वापसी चले जाएंगे, यहाँ पर वापसी आ जाएंगे, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, 28 अगस्त को फिर मार्गी हो जाएंगे और आपका 23 सितंबर को उच्च राशि कन्या में अपना यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। और 1 तारीख को आपके 30 का जैसे ख़त्म होगी, 1 सप्ताह आपका 1 अगस्त को आपके यहाँ पर इनके साथ इनका साथ देने शुक्र भी आ जाएंगे, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बुध से हम क्या क्या चीज़ों के फ़ायदे ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं, क्या हम बुध से कर सकते हैं, उसे समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बुध क्या है, बुध अपने आप में आपका व्यापार है, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। और कहाँ पर बैठे हैं आपके, ये भी आप समझ लें, आपके कैरियर भाव में बैठे हैं, आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं। आपके यश में, आपकी प्रसिद्धि में, आपके रोजगार में, आपके कर्म में, तो यानी व्यापार या कोई काम तो 100% देंगे, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि बैठे भी अपने मित्र की राशि में, आप यहाँ समझ लें, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर बैठ के वो कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि बुध को जो एक सातवीं दृष्टि प्रदान है, वो सातवीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है उसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो सातवीं दृष्टि आपके बिल्कुल सामने पड़ रही है। तो सामने कौन सा है, सामने आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। और चतुर्थ भाव किसका होता है, चतुर्थ भाव आपके घर का होता है, आपकी जमीन का होता है, परिवार के भौतिक सुखों का होता है। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, जितनी भी हमारी भौतिक विलास की सुविधाएं होती हैं सब हमारी यहाँ से प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर जो राशि विराजमान है, वो राशि इनकी अपनी राशि है, एक तरह से अपने मित्र की राशि विराजमान है। कौन सी, शनिदेव, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि 11वीं राशि विराजमान है जिसके कुंभ होती है और कुंभ के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव न्याय और आपके कर्म के देवता हैं, आप ऐसे माने, जो आप मेहनत करते हैं उसका फल आपको देते हैं। तो यहाँ पर आप उनसे क्या ले सकते हैं, यहाँ पर आप उनसे अपने कोई भी, अगर क्योंकि शनि को हम लोहे से भी देखते हैं, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। और ये हमारी इन्वेस्टमेंट का भी भाव है, हमारी सुविधाओं का भी भाव है। तो ये समझ लें, जिसके पास इस समय अगर गाड़ी वगैरह नहीं है या मोटरसाइकिल वगैरह नहीं है या कोई भी ऐसी जो कमी है आपके, मतलब वाहन की या किसी चीज़ की, तो वाहन का कोई ख्वाब आपका यहाँ पूरा कर सकते हैं। सावन का मास चल रहा है, सावन के महीने में जो सबसे बड़ी खास बात क्या है, वैसे भी अच्छा होता है। और इस समय अगर आप कुछ भी, आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं या थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं या भोले के प्रति जो भी आपका समर्पण होता है, वो आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी वाले हिसाब से वापसी आता है, ठीक है। एक चीज़, दूसरी बात, जो आपके स्वामी हैं, आपके स्वामी कौन है, मंगल। अगर मंगल को हम देखते हैं तो इस भोले की संतान के रूप में भी आप देख सकते हैं। कहानी पर हम नहीं जाएंगे, नाम सुनाएंगे, लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी, लेकिन हाँ आपको जो हम बता रहे हैं वो चीज़ आप समझें, तो आप संतान के रूप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ जो आप इस समय भोले को जो जल वगैरह चढ़ाएंगे या दूध दही वगैरह जो चढ़ाएंगे, जो भी अर्पण करेंगे, उसका जो आपको फल मिलेगा वो आपको सोच से बाहर मिलेगा। ये आप ऐसे अंदाजा लगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका कोई भी, आपका कोई अगर आप गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं, वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो इस समय आपको जो 66 दिन ये मिले हैं और 1 महीने का टाइम आपको सावन का मिल रहा है, तो ये भी आपके लिए पूर्ण रूप से फायदा करेगा, कहीं ना कहीं आपके मनोरथों की पूर्ति करेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके पराक्रम भाव की।
परिश्रम भाव की, जहाँ से आप परिश्रम करते हैं, पराक्रम करते हैं, और जो आपके छोटे भाई बहनों का भाव होता है वहाँ भी मकर राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके शनिदेव। तो शनिदेव यहाँ भी आपको काम करने का कार्य करेंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ भी इनके मित्र हैं, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। और इनका सबका संबंध कहीं ना कहीं भोले से भी जुड़ा हुआ है, तो ये जो मास आपका चल रहा है सावन का मास, इसमें आपको वैसे भी इनसे फायदा होगा, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं भोलेनाथ से। आप शनिदेव भी भोलेनाथ से जुड़े हुए हैं, गुरु बृहस्पति भी भोलेनाथ से जुड़े हुए हैं, कुबेर भी भोलेनाथ से जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। हम तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इनसे इस समय आपका फायदा होगा, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी, जो आप मेहनत करेंगे, जो कहीं आप परिश्रम करेंगे, आपका पराक्रम सही दिशा में चलेगा, आपकी यात्राएं सही दिशा में आएंगी, और कहीं ना कहीं उसका आपको फायदा होगा। बात कर लेते हैं आपके द्वितीय भाव की। जो राशि विराजमान है वो राशि विराजमान आपकी गुरु बृहस्पति की है, क्योंकि धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, और गुरु से हम धन को भी देखते हैं, और ये भाव धन का ही है, आप ऐसे समझ लीजिए, धन और आपके कुटुंब का, जो आपके चाचा ताऊ होते हैं उनका भाव है। तो यहाँ भी आपको इनका फायदा मिलेगा, यहाँ भी इनसे आप कहीं ना कहीं अपने मनोतरों की पूर्ति कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष की। तो संतान पक्ष में भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि गुरु साक्षात विराजमान है, क्योंकि जो राशि विराजमान है वो मीन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके गुरु बृहस्पति, और गुरु भी इनके मित्र हैं, और वैसे भी देवग्रह है, और ये भी देवग्रह है आपके मंगल को देखते, तो वैसे भी आपको इनका कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ आपको हमने बताई दिया, जहाँ पर ये विराजमान हुए हैं कैरियर भाव में, क्योंकि कैरियर भाव किसका है, कौन सी राशि विराजमान है, यहाँ आपके सूर्य विराजमान है, आप ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि विराजमान है और इनके मित्र भी हैं, आप ऐसे समझें। और मित्र के साथ साथ सूर्य क्या है, सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपका सम्मान है, सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपके ग्रहों के राजा हैं, और सूर्य पिता के कारक हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप कहीं ना कहीं इनसे फायदा ले लेंगे, और ये कैरियर भाव है, आपकी पावर है, आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। और सूर्य ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ सूर्य की रोशनी ढलती है या सूर्य कहीं भी प्रकाश डालते हैं, वो घर चमकने से रह जाए या उसकी जिंदगी में उजाला ना हो। तो यहाँ भी आप ये उजाला इनसे ले सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जो भी आप थोड़ा सा काम करते हैं, इस समय सूर्य को भी बना के आपको चलना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि सूर्य देव को अर्घ देने का कार्य करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो कोशिश करें सुबह उठ के पूर्व दिशा की मुख करके अपना जल देने का, अर्घ देने का कार्य करें, ठीक है। चलिए बुध के उपाय भी हम आपको बता देंगे, क्या आपको उपाय करना है, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। आपका कैरियर भाव हो गया, आपका क्या कहते हैं संतान पक्ष भी हो गया, बात कर लेते हैं आपके मैरिज पक्ष की, ठीक है। जो आपके आपके शादी का भाव होता है, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। आपके बिजनेस का भी होता है, आपकी पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप इन द सेंस आपकी नौकरी से भी हो सकती है, बॉस से भी हो सकती है, और आपके परिवार से भी हो सकती है, क्योंकि जो मिसेज और आदमी का जो दोनों का संबंध होता है, पति का पत्नी से और पत्नी का पति से, वो भी एक तरह से की पार्टनरशिप है, आप ऐसे अंदाजा लगाएं। तो यहाँ भी आपको फायदा होगा, क्यों होगा, क्योंकि यह जो राशि विराजमान है वृषभ राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके शुक्र, और शुक्र क्या है, शुक्र आपका लग्जरियस है, शुक्र आपकी सुंदरता है, शुक्र आपका वैभव है, शुक्र आपकी भोग विलासता है। लेकिन थोड़ा सा एक सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि जो राशि विराजमान है मैरिटल अफेयर से, इधर उधर की चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना यह हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ऑफिस में अपना ताक झाक से बचना है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय के तौर पर हम आपको उपाय बता देते हैं बुध के। एक कोशिश करें कि तुलसी का पेड़ लगाने की कोशिश करें बुध के बुधवार, अगर लगा सकते हैं एक चीज़। दूसरी चीज़, थोड़ा सा भी अगर बगीचे बागवानी का शौक है तो वो भी आपके लिए इसमें फ़ायदा रहेगा। और अगर दे सकते हैं तो अपना क्या कहते हैं आपका गाय को हरा चारा अगर खिला सकते हैं, या पर्ची कटवा सकते हैं, जो भी मतलब अपना जाके अपना गौशाला में, तो वो भी उनके लिए अच्छा रहेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। और साबुत हरी मूंग का दान कर सकते हैं, वो भी आपके लिए सही है। और आपको मंत्र भी हम बता देते हैं, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः का पाठ करें, यह आपके लिए अच्छा होगा। और पूरी अनुकंपा अगर आप चाहते हैं बुध की, तो भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाने का कार्य करें, वो आपके मनोरथों की कहीं ना कहीं पूर्ति करेंगे, और आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी लाने का कार्य करेंगे। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।